एक सुनसान सड़क पे जंगल के रास्ते एक गाड़ी होकर जा रही होती है। उसमें अरुण और अर्जुन बैठे हुए होते हैं। दोनों ने शराब पी रखी होती है। तभी उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है और अर्जुन अरुण से बोलता है कि गाड़ी क्यों बंद कर दी। तभी अरुण बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ जो गाड़ी बंद कर दूंगा। गाड़ी अपने आप रुक गई है, वो ख़राब हो गई है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। अर्जुन गाड़ी को देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो बोलता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, हमें मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी अब गाड़ी। तभी अरुण कुछ देख रहा होता है, उसे वो जगह जानी पहचानी सी लग रही होती है और वो अर्जुन को बोलता है कि अर्जुन ये जगह मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। तभी अर्जुन बोलता है कि तुम्हें चादा चढ़ गई है, तुम्हें हर जगह जानी पहचानी ही लगती है। तभी अरुण बोलता है, ये कब्रिस्तान मुझे लग रहा वही वाला कब्रिस्तान है जहाँ 5 साल पहले। इतना बोलते ही अर्जुन उसे चुप करा देता है। वो बोलता है, चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं, ये सब यहाँ मत बोलो, तुम चुपचाप रहो, यहाँ कुछ नहीं हुआ था। और वो दोनों फिर मैकेनिक के बारे में सोचने लगते हैं कि यहाँ कहीं मैकेनिक मिल जाता। तभी सामने एक मैकेनिक बैठा हुआ होता है जो पहले नहीं होता। अरुण बोल रहा होता है, यहाँ तो कोई पहले नहीं था। अर्जुन बोलता है, तुम्हें ज़्यादा चढ़ गई इसलिए तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा था। उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो बोलता है, अब तुम चुप रहो, चलो मैकेनिक के पास। दोनों मिलकर मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक को बोलते हैं, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, ज़रा चेक कर लो तो उसे। तभी अरुण उससे पूछता है कि यहाँ पर 5 साल पहले कोई और मैकेनिक रहता था। तब वो मैकेनिक उसे घूर कर देख रहा होता है और फिर वो मैकेनिक बोलता है, मैं नहीं जानता किसी को, मैं नया हूँ। और वो गाड़ी देखने के लिए चला जाता है और अर्जुन उसे मना करता है, बोलता है, तुम चुप रहो, तुम क्यों अपनी बातें बता रहे हो। फिर वो बोलता है कि मुझे टॉयलेट आई है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। और अरुण टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। अरुण को एक आदमी मिलता है, वो बोलता है उसे, तुम्हारा दोस्त वहाँ बैठ कर क्या कर रहा है, वहाँ तो कोई भी नहीं है, वो तो खाली झोपड़ी बहुत सालों से पड़ी हुई है ऐसे ही। तभी अरुण पीछे मुड़कर देखता है और उसका दोस्त बैठा हुआ होता है एक टायर पर, वहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं होती और कोई भी मैकेनिक नहीं होता। तभी अरुण फिर दोबारा आगे मुड़कर देखता है और वो आदमी भी आगे से गायब हो चुका होता है। अरुण फिर अर्जुन के पास जाने लगता है और अर्जुन के पास जाकर वो बोलता है, यहाँ से चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर अर्जुन उसकी बात नहीं मानता, वो बोलता है, तुम्हें चढ़ गई है ज़्यादा, तुम यहाँ चुपचाप बैठे रहो। तभी वो मैकेनिक बोलता है, तुम सब लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया और कुछ भी याद नहीं आया। वो मैकेनिक बोलता है कि 5 साल पुरानी बात तुम लोग भूल गए हो क्या, 5 साल पहले तुम लोग यहाँ आए थे और मुझसे गाड़ी भी ठीक करवाई थी और उसके बदले में तुम लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए थे। इतना सुनते ही वो दोनों वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं और रोड पे भाग रहे होते हैं। भागते भागते उसे जंगल से कुछ किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है और वो लोग देखते हैं कि एक लाल साड़ी में औरत बैठकर रो रही है। तभी वो लोग उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर वो लोग पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी वो औरत अपनी कहानी बताती है। वो बोलती है कि 5 साल पहले कोई मेरे पति से गाड़ी बनवा रहा था और गाड़ी बनवाने के बाद उन्होंने जब पैसे मांगे तो उन लोगों ने उन्हें पैसे नहीं दिए और मेरे पति को उन लोगों ने मार दिया और उनकी आंखें निकाल दी। और फिर उन लोगों ने मुझे देखा और उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरी इज्जत लूट ली और फिर मुझे भी मार दिया उन लोगों ने। इतना कह के फिर से वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर उसका चेहरा एकदम अचानक से भयानक हो जाता है और ये लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये लोग बहुत ज़्यादा ही डर चुके होते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका होता है जो उन्हें घूर घूर कर देख रही होती है और बोलती है कि मैं 5 साल से तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे पता था कि तुम लोगों की गाड़ी यहाँ एक न एक दिन फिर से ज़रूर ख़राब होगी और उस दिन का हमें इंतज़ार था और वो दिन आज है, अब तुम लोगों की मौत पक्की है। इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और तभी वहाँ वो मैकेनिक आ जाता है। वो बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे कैसे मारा था बेरहमों की तरह और फिर मेरी पत्नी की भी तुम लोगों ने इज्जत लूट ली और उसे भी मार डाला। ये सारी बातें वो उन्हें बता रहा होता है। ये लोग बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। और उसका चेहरा भी बहुत भयानक हो चुका होता है, वो भी बहुत डरावना लगने लगता है। अरुण और अर्जुन को बहुत डर लग रहा होता है। वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं, चारों तरफ जंगल होता है और कोई आदमी नहीं होता है। तभी वो मैकेनिक उनकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है और वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। उन दोनों के कान में दर्द हो रहा होता है और फिर इतनी ज़ोर से आवाज़ से उनके कान से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। और वो मैकेनिक अरुण के पास पहुँच जाता है और उसकी आँखें निकाल लेता है और वो आँखें निकाल लेता है, फिर वो मर जाता है। और फिर से वो अर्जुन के पास जा रहा होता है। अर्जुन अपना कान बंद करके बैठा होता है, फिर वो उसकी भी आंखें निकाल